दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर एक ऐतिहासिक और यादगार जीत दर्ज की है। वहीं जीत के बाद राशिद खान और अफगानिस्तान की टीम ने भारत का झंडा लहराते हुए जीत का जश्न मनाया, जिसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। वहीं अब विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या का इस पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अफगानिस्तान की टीम पर दिल जीतने वाली बात कही है। जी हाँ, पूरी खबर बताएंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताइएगा कि इस मैच का हीरो कौन है। दोस्तों, भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कल तीसरा और बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में विश्व कप का 22वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर इस टूर्नामेंट का तीसरा सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, फिर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, और अब अफगान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से चित कर दिया है। अफगानिस्तान की वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में ये तीसरी जीत है। वहीं अफगानिस्तान की इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। सभी खुशी से झूम उठे। राशिद खान को इरफान पठान के साथ नाचते हुए देखा गया। वहीं ड्रेसिंग रूम में भी अफगानी टीम ने जमकर जीत का जश्न मनाया। वही मैच खत्म होने के बाद हमें एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब सभी अफगानी खिलाड़ियों ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए भारतीय फैंस का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान ने दिल तो तब जीता जब राशिद खान ने भारतीय तिरंगा लहराया। वहीं फिर मुजीबुर रहमान को भी तिरंगा लहराते हुए देखा गया। मैच के बाद राशिद ने इरफान पठान से बात करते हुए भी कहा था कि भारत से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, और भारतीय फैंस ने भी उन्हें हर एक मैच में सपोर्ट किया है, इसलिए उन्होंने भारत का झंडा लहराकर सभी का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान टीम के इस जेस्चर ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है। वहीं अब इस पर भारतीय खिलाड़ियों का भी रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले विराट कोहली ने अफगानिस्तान की टीम को बधाई देते हुए कहा, कल मैंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखा। अफगानिस्तान ने क्या ही बल्लेबाजी की, उनके स्पिनर्स तो हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास रहे हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है उनकी। हमारे खिलाफ भी उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। ये टीम अभी इस टूर्नामेंट में किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है। वहीं मैच के बाद उन्होंने जो भारतीय तिरंगा लहराया, उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं पूरी अफगानिस्तान को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा। वहीं दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इस जीत को बिल्कुल भी उलटफेर नहीं मानता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान अब बहुत मजबूत टीम हो चुकी है। उलटफेर तो उसे कहते हैं अगर कोई वीक टीम एक मजबूत टीम को हराती है, लेकिन अफगानिस्तान बहुत ज्यादा मजबूत टीम है। उनके स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं और बल्लेबाजी तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखी ली। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को वनडे में हराया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। वहीं मैच के बाद उनकी टीम ने भारत का तिरंगा लहराकर सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया। वो काफी स्पेशल था, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं किसी और देश की टीम जीत के बाद भारत का तिरंगा लहरा रही है। वहीं हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान पर कहा, इस विश्व कप में अफगानिस्तान का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। बल्ले के साथ उनका डिसिप्लिन और उन्होंने जो टेम्परामेंट दिखाया वो बेहतरीन है। आने वाले समय में अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम बनने वाली है, क्योंकि उनके सभी खिलाड़ी अब युवा हैं। जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, उनकी टीम और मजबूत होगी। वहीं राशिद खान को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने भारतीय तिरंगा लहराकर सम्मान दिया, वो वाकई में दिल जीतने वाला था। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हैं। आप अफगानिस्तान की इस जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट जरूर करें।